आज का व्लॉग हम जरा लाइट सा गाड़ी में शुरू करें, क्योंकि ब्रो अभी हमने कर लिया इफ्तारी। जैसे आप पीछे देख सकते हो आसमान अभी भी लाइट सा नीला है। जानी अभी हम जा रहे हैं जोर टाउन फिर से, क्योंकि ना चप्पल शप्पल को चेंज करानी थी अम्मा ने, तो मैं उनके साथ जा रहा हूँ। क्योंकि पता नहीं वो अकेले जाते हुए पता नहीं क्या होता है उनको, लेकिन सोशी सेट के आप चलो, तो मैंने कहा चलते हैं, हमारा लाइट सा कॉन्टेक्ट बन जाएगा। तो लड़कियों वाली जगह पर घुसते हैं अभी जाके और आपको अपने साथ लेके जाते हैं, और इंशाल्लाह ताला गुड सिनेमैटिक शॉट्स फ्रॉम आईफोन 6 हेयर आई प्रेजेंट यू। आपने मेरे पुरानी ईद वाले चांद रात वाले व्लॉग्स देखे हैं, तो ब्रो इसी जगह पे मैं बैठा हुआ था इसलिए जब मैंने नया नया शुरू किया था सारा ब्लॉगिंग सीन। तो ये देखो ये क्लिप थी वो। फैन गोज लाइक वी केम 10 पीपल इन वन कार लाइक इट्स सो इट्स पाकिस्तान राइट सो ओके हाय डैड हेलो डैड। इट वाज फुल ऑफ क्रिंज, बहुत मतलब इंग्लिश बना हुआ था ना भाई तब। तो अभी भी हम वहीं पर बैठे हैं, आप देखो अम्मा को जो पसंद आए कब आए। लड़कियों की पसंद करना बहुत मुश्किल काम है, हम तो चाहे लड़के जाओ पकड़ो वो बेस्ट। इतनी गर्मी हो रही है ना इस गाँव में, एसी नहीं चलाए हुए भाई, अजीब मतलब के अजीब मतलब के अजीब। टिल्ट योर स्क्रीन टू वॉच दिस, मतलब के अजीब भाई। अंदर इतना शोर था कि मैं आपको क्या बताऊं क्या बताऊं। अम्मा ने अभी मैंने तकरीबन 10 जोड़े मंगा लिए होंगे और कोई पसंद नहीं आ रहा। क्या करे यार, बंदा करे तो करे क्या करे। खैर अभी घर जाके आपसे फिर मुलाकात होगी, क्योंकि मैं शायद एक और जगह जा रहा हूँ कुछ मीठा खाने। काफ़ी दिन से मैंने कुछ मीठा नहीं खाया यार, तो ब्रो जाके देखते हैं क्या सीन है। बॉयज चॉइस को पकड़ते हैं, सोसाइटी के पे चलते हैं उनके। A few moments later. Bro, we are here with our friend Haseeb Ali Chaudhary, and यहाँ पे अभी हसीब भाई देंगे हमें ट्रीट, दे रहे हैं मुझे हसीब भाई, खिला रहे हैं। ऐसा भाई आप लोगों को कभी कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। एंड ही इज़ द बेस्ट ब्रदर, फुल सिस्टम है। तो अभी विल गिव ऑनेस्ट रिव्यूज़ ऑन दिस आइसक्रीम, एंड वेरी बहुत सस्ती है, आपको सारा मेन्यू शेन्यू सब दिखाएंगे, एंड देन लेट्स डिसाइड कि अभी हमने क्या लेना है। यार लाइव आइसक्रीम थी, लेकिन भाई ने हमें पता नहीं फ्रिज में से निकाल के दे दी है, तो आई डोंट नो व्हाट सीन। तो अगर अच्छी लगी यहीं से इनको वापस दे के आए यहीं से। भाई बहुत अच्छी आइसक्रीम थी कसम से, बहुत बहुत लेवल की आइसक्रीम। 200 रुपए की सिर्फ आइस कर्ल है एम्पोरियम में, वहाँ पे 450 रुपए की मिलती है, यहाँ 200 रुपए की उससे अच्छी मिलती है। एंड ये जोवर टाउन में है फ्राई चिक्स जो नया बना है, साथ आइसलैंड भी है और उसके साथ है ये रोफल, छोटी सी दुकान है सही है, 2-4 बंदे इसमें काम करते हैं, बहुत अच्छी आइसक्रीम। इसके अलावा इनके आप शेक्स और फ्रूट कॉकटेल वाला भी सीन है इनके पास, और एक बर्गर है जिसमें आइसक्रीम होती है, और वो बर्गर चॉकलेट बर्गर टाइप कुछ है। तो ब्रो आप लोगों ने ज़रूर आना है, यहाँ पे ज़रूर आना है, मतलब के बेस्ट आइसक्रीम। अब हम जाते हैं घर, और घर जाके फिर देखते हैं आपको हम क्या दिखा सकते हैं। शायद आज सहरी पे जाएँ, शायद पक्की बात नहीं लेकिन शायद आज से। यार उसके बाद सीन ये हुआ कि मैं घर आया, मैंने घर आके सीधा नहा लिया, ठीक है यार देखो माशाल्लाह एक्ने थोड़ी कम हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता ईद पास आ रही है। तो ब्रो अब सीन ये है कि सहरी का मैंने दोस्तों से पूछा तो वो कह रहे थे मिस है ब्रो, तो अब सिर्फ बचती है एक चीज़ कि मुझे खाना है कुछ, और मैं मेरा जब 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 मुझे खाना ना मिले तो ब्रो मैं पागल हो जाता हूँ, जो सीधी बात है। तो ब्रो उस चीज़ के लिए अब मैं बनाऊँगा फ्राइज़। देखो फ्राइज़ बनाना बहुत आसान है, बिल्कुल सिंपल काम है, पहले छिलके काटो ठीक है, उसके बाद आलू को धो के साइड पर रख दो, फिर चाहे भूलना मत चल छिलके अपने डस्टबिन में फेंकने, ठीक है अच्छी बात होती है, डस्टबिन में फेंकने घर साफ सुथरा रहना चाहिए, गुड फ्लो। फिर उसके बाद सीधे काम है उसको ऐसे करके बीच में सीधे सीधे करके काट लो, फिर उसके बाद उसके पीसेस कर लो लाइन से सीधे सीधे करके, एंड उसके बाद नमक डालना है, मिर्च डालनी, और अगर आपने उसको क्रिस्पी करना है, मुझे लगा पता नहीं कॉल मुझे दिया, खैर अगर आपने उसके बाद उसको क्रिस्पी करना तो उसमें मैदा डाल दें, ठीक है मैदा डाल के बहुत क्रिस्पी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद सीधी बात है फ्राई करो उनको 7-8 मिनट बाद निकाल लो, वो ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं,
वो ज़्यादा खींच बजने ओवर बेक ना थोड़ा और उसके बाद जो करके डफ लो जो सीधी बात है। तो ब्रो ये व्लॉग है सिर्फ हमारा, ठीक है, तो इसके बाद इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। ये यही बातें हैं जो अच्छी नहीं लगती मुझे। खैर आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह कल। सी यू सून।